मतलब खुद ने कुछ किया नहीं और यदि उसकी बेटी का हमने कुछ कर दिया अब आगे बढ़कर तो कमियां निकाल रहा है और जबकि इस बच्चे में कोई कमी नहीं है बेटा, घर नहीं है वो। चलो मेरा वो समझ नहीं आ रहा, पहले उनको पढ़ी नहीं थी और अब इन्हें ऐसा हो गया कि मेरी बेटी सब कुछ ये हो गया वो हो गया। बस तू पूछना मेरे बेटे क्या क्या उस आदमी ने इस बच्ची के बारे में बोला है ना, हम ही जानते हैं या ये बच्ची जानती है। नमस्कार यस, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत दिन बाद राधिका और समर से मिलने उनके घर आया। पहले तो मैं आता रहता था, अब काफी टाइम हो गया आया। पहले तो दोनों ब्लॉग्स बनाते इकट्ठे तो देख लिया करते थे, अब इन दोनों ने ब्लॉग्स बनाना काफी दिन से बंद कर रखा, बिजी है अपने शेड्यूल में। तो वही है, आज देखते हैं कि राधिका के घर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और कितने खुश होते हैं मुझे देख के इतने दोनों बाग। आइए देखते हैं। राधिका, अरे नमस्ते, क्या हाल है? कैसे? क्या बात, आज तो एक बेटी से मिलने आया, दोनों बेटियां मिल गई क्या? बस और तू सुना, तूने कुर्सी चेंज नहीं करनी है जब तक तेरा बाप गिर नहीं जाएगा। पापा ना, अरे नहीं, और सुना बताओ से कैसे? अरे बस मैं बहुत दिन हो गए थे, पहले तो ये लोग ब्लॉग बना रहे थे तो हम लोग देख लेते थे, अब ये ब्लॉग ही नहीं बनाते, बिजी है भाई अपने शेड्यूल में, तो बाप ने तो देखना ही है बच्चों को। मैं कहा चल यार आज बहुत दिन हो गए चलता हूँ। और तो सुना, ये तो अच्छा हो गया कि तुम दोनों भी मिल गए। एक कहता नहीं पापा, एक कहता पूछो मत। वर्मा जी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मेरे पापा की नहीं, असल में पहले इसका भाई आ रहा था घर पे, फिर उसके बाद इसके पापा आ गए घर पे गुलमुख के। अच्छा, और देन फिर वो अगली बार आया तो अमित को साथ ले आया, मतलब तीनों मिल गया। जिसको हमने देखा था लड़के को, वो आके वो लाइक साइको बन गया इसके लिए। वो आपको पता है उसकी मैं क्या बताऊँ, एक दिन बताया मैं अपने रूम में, वो एकदम से आ गया, मेरा बाहर वाला जो गेट घर से गेट है ना, बैठा हुआ था। दिमाग खराब हो गया क्या? पापा जी बस उन्हें भी ये है कि अब वो आए ना, पहले तो उन्होंने चलो मिले अचानक, पहले कुछ किया नहीं, अब उनको भी चलो 10 कमियां, फिर उनका कमियां, वो कमियां निकाल रहा है, कमियां मतलब खुद ने कुछ किया नहीं और यदि उसकी बेटी का हमने कुछ कर दिया अब आगे बढ़कर तो कमियां निकाल रहा है और जबकि इस बच्चे में कोई कमी नहीं है बेटा, घर नहीं है वो। चलो वो भी बात उनकी ठीक है, घर की बात है मानता हूँ, वो चीज की हमने सारी बात कर ली ठीक है, मेरे को लेना है वो तो मेरा अपना प्लान है। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ, अमित ने कॉन्टेक्ट किया मेरे पापा के पास, मतलब उसने ये कर दिया कि अच्छा मैं गलत और ये ठीक किया, गुनगुन ने उसके साथ किया गलत और आप लोगों ने किया गलत, क्या गलत कर दिया भाई, नहीं पसंद है नहीं करेंगे अपनी बेटी की शादी, तो वो उस पर डिफेंड हो गए। अब जी ये था कि उसके पापा आए तो उसी की साइड ले गुनगुन को, फिर भी हमने समर को बुलाया एक बार, मैंने धोखा कहा दिया आप एक बात बताओ, किसको धोखा? वो अमित को, अमित मेरे से बोल रहा तुमने मेरे को धोखा दिया। एक बात बता बच्ची, एक बात बता मेरे को कि हम अपनी बेटी के लिए चार लड़के देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चार जो हमें सही लगेगा उसी के साथ तो शादी करेंगे। आप चार कह रहे हो, मगर 100 देखो, डिसीजन तो गुनगुन का और आपका ही है ना कि कौन लाइफ पार्टनर सही है कौन नहीं है। अब ऐसा हो कि ऐसे ऐसे बातें मेरे को बोल रहा है, मैं तो डर गई जो मैंने उसको सीढ़ियों पे बैठे हुए देखा, मैं तो वीडियोस बना रही थी अपनी। और तूने पुलिस का फोन किया, तुम लोग यार डरते हो, पुलिस का फोन किया तूने? देखो हम चाहते हैं कि गली मोहल्ले में ना तमाशा ना हो। बेटा एक बात बता, आज तो चल बच्ची ने मेरी देख लिया, अब वो साइको तू बता रहा कि वो साइको हो गया, तो जैसे कि कल को इसको हार्म कर जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं आपका वेट करूंगा, ये करूंगा, इनफैक्ट मैंने भी बुला के समझाया उसे और समर ने सबको समझाया, सबके साथ बात हो गई, पापा सब राधिका समझ, सब मेरे ससुराल में आके उन्होंने सबको पापा को और सब उस टाइम समझ भी गए थे, सब समझ के चलो ठीक है अब हम नहीं आएंगे। वो अब स्टिल क्या हुआ अभी कुछ दिन पहले नहीं समझ रहे, ये लोग फोन पे पहले आया कि इसके भाई का फोन कि मैं चलो घर आऊंगा ठीक है, इधर अच्छा। से इसके पापा कह रहे मैं आऊंगा, अमित कह रहे मैं आऊंगा, मतलब वही। और बेटा कैसे हो? ठीक है, तो सुना बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आप ही, बड़े दिन। अरे बस तुझे पता तो है, और आजकल तुम ब्लॉग के लिए बना रहे हो भाई आपस में, तुम्हारे दर्शन नहीं हो रहे थे, मैं कहा चलो बेटी के दर्शन, एक बेटी के दर्शन करने आया था, दो दो बेटियां मिल गई, सोचा तुम्हारा
तेरी बात बिल्कुल ठीक है, अमित ने किया और उसको रास्ता किसने दिखाया? लाइक मेरा वो समझ नहीं आ रहा, पहले उनको पढ़ी नहीं थी और अभी ना ऐसा हो गया कि मेरी बेटी सब कुछ ये हो गया वो हो गया। बस तू पूछना मेरे बेटे क्या क्या उस आदमी ने इस बच्ची के बारे में बोला है ना, हम ही जानते हैं या ये बच्ची जानती है। अब इसके लिए स्टैंड लिया, इसको कहीं किसी तरह खड़ा किया है, तब भी दिख तो अब वो डिस्टर्ब करने इस बच्चे को फिर आगे। ये तो मतलब यहाँ भी घर नहीं बसने दिया, वहाँ जाना नहीं और अब जहाँ बसा वहाँ भी तोड़वा था, अब वो साइको और इसके पीछे लगा दिया। इसलिए फिर हमने ये सोचा कि अभी थोड़े दिन यहाँ आ रहे थे 10-15 दिन के लिए, तो थोड़ा राधिका से भी बात हुई थी अमित की सारी। अच्छा राधिका ने समझा, वो कह रहा कि मैं यहाँ आया था तुम यहाँ मिली नहीं इसलिए मैं आया हूँ, मतलब ऐसे करता है। बच्चे एक बात बोलूं मैं ध्रुव बेटा, देख गुनगुन ये तेरा खुद का घर है ठीक है बच्चे, ये तेरी बहन राइट, तू बेटा 10 दिन नहीं तू 20 दिन रह ना, मुझे तो आपत्ति होगी नहीं बेटा, ना समर को आपत्ति, ना समर की मम्मा को, ना मेरी बेटी को बच्चे ठीक है। हाँ जी, पर देख बच्चे आजकल का जो जमाना है ना वो मुसीबतों के सामने से भाग के मुसीबतों का हल नहीं निकलेगा। हाँ वो तो मेरे को पता ही है, तो खैर अब तुम यहाँ रहोगे फिर तो उसकी और हिम्मत पड़ेगी राज्य, उसकी हिम्मत तो हम तोड़ देंगे। पर बच्चे तुम हिम्मत उस जो भी वो एक्सपर्ट अमित है उसके चक्कर में आप अपना घर अपने माँ बाप अपना सब कुछ छोड़ के, मैं ये नहीं कह रहा पुत्र कि तू यहाँ आके तू नहीं होगा ताकि ठीक है, मेन ये था यहाँ आने का भी थोड़ा गुनगुन में टेंशन में थी तो मैंने कहा इसको फिर कहीं बाहर ना ले जाके ना मेरे को सही जगह ये लगी। बेटा देख मेरी बात सुन, आपका अपना घर आप 1 दिन रुको 4 दिन रुको 6 दिन रुको, पुत्र मैं तो उस स्टेप की बात कर रहा हूँ, तो आप जो बोले कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए हम लोग यहाँ रुके, छुड़ाना हो तो मेरे को पता है उसके ऐसे तो छूट नहीं सर, क्योंकि बातों से छूटता ना तो पापा जी बहुत पहले छूट जाता है, पर वो छोड़ेगा नहीं ना, समझना होता तो मेरी बात समझाने से भी समझ जाता है, कितने लोग समझा रहे थे उससे भी समझ जाता। फिर ये देखना पुत्र पड़ेगा, ये सब चीजें नहीं करनी हमने, उसको फेस करना है और नहीं फेस होगा तो तू मुझे अपने बाप को गुनगुन गुनगुन के बाप को फोन करियो, मैं हाजिर हूँ तेरे आगे, वो तो खैर समर को वो तेरे को या मेरी बेटी को या तेरे घर में आके कोई भी टच करता किसी को कुछ ऊंचा बोलता है उसी टाइम कंप्लेंट कर। हाँ वही अभी कंप्लेंट की बात हो रही थी, समर ने भी कहा कि कंप्लेंट कर ही देते हम पहले ही उसके यहाँ आए या करनी पड़ेगी बच्चे, पहले ही हम कर देते हैं कि ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है। और बता गुनगुन तेरे बापू को क्या हो गया यार, तेरे बाप को क्या हो गया? मैं क्या बोलूं, मैं तो सोच रहा आप लोग बड़े बड़े मिलके बात कर लो एक बार पापा जी से, मैं क्या बोलूं, कब मिलना है बता, तू जब बोलेगी मेरी बेटी तभी मिल लूंगा। हमारी बात तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, पापा इससे बड़े समझ नहीं आना चाहिए। अरे वो बुढ़ापे की तरफ नहीं जा रहा, वो बचपन की तरफ आ रहा है, उसको मालूम ही नहीं चल रहा कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। क्या मेरे को कई जगह मैं तो उनके मुंह पे मैंने आप तो वही उनके भाई वाली हरकत ही कर रहे हो, वो भी हरकत घर तोड़वाने आप भी वही कर रहे हो हरकत, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या नहीं चल रहा, क्या चाहते हैं वो भी नहीं बताते खुल के कि क्या चाहिए क्या नहीं। क्या लड़के का अपना घर नहीं है, अपना घर होना चाहिए लड़के का, ऐसे तो? नहीं ऐसे लुक के ऊपर जज कि ऐसा लुक नहीं ऐसा होना चाहिए था ये वो। अरे तुम उस टाइम करवाओ, तुम ही ढूंढ के करवा देते, हमने कौन सा पकड़ के रखा था, हमने तो बोला था जो थी सामने तुम मत लेके जाओ अपनी बेटी के लिए, कुछ देखो तो सही, तब तो कुछ स्टैंड लिया नहीं, दुनिया ताजमहल आगरा देखने जाती है ना उसमें भी 10 कमियां निकाल देती है, तो हम तो इंसान है मेरे बेटे, पर वही है ना कि जब हमें कमी निकालनी है उस टाइम भी बुला रहे थे, और इनफैक्ट जब ये बात भी छिड़ी थी कि मम्मी पापा भी कहते एक बार मिल लेते हैं, तब भी कितना जोर डाला कौन सा आगे थे ये लोग, तब भी इन्होंने मना किया था आने से। अरे चलो नहीं घर आगे जाके तो ही जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अरे यार वो तो ये सब चीजें उसको काय के लिए सोचनी है, जब अपनी बेटी के बारे में तो सोचा नहीं बेटा उसने, अब थर्ड पार्टी के लिए सोच रहा है वो, किसका घर नहीं है, ये खूबसूरत नहीं है, ये कम कमाता है, ये है वो है, जब आप सब लोगों को
लाइक मेरे को बिना जाने पहचाने कुछ भी मेरे को प्रॉपर जज कर दिया कि ये घर नहीं लेगा ये नहीं लेगा। मैंने कहा मेरी आपको पता आप मेरे दिमाग में घुसे थे क्या या मेरे प्लान्स के लिए पता आपको क्या कोई नहीं वो नहीं है तू छोड़ बेटा उसकी बातों में छोड़ और उस वो जो अमित लगाया ना आप लोगों के पीछे उसका काम कर दो राधिका कुछ ना कुछ करेंगे नहीं इनका सॉल्यूशन तो करना हाँ नहीं नहीं तुम लोग टेंशन ना लो एंजॉय करो घूम फिरो फिल्म देखने जाओ चारों ठीक है और तेरी सास सुमा ठीक है हाँ बढ़िया और ससुर जी सब बढ़िया ठंडा ना होना चाहिए बेटा चल चल हाँ मैं तो ठीक हूँ तू क्यों जा रहे हो हाँ चलें बहुत देर हो गई तुम लोग से बोला बात करके अच्छा लगा खाने वाने खा के जाना ना अभी नहीं फिर आओ मम्मी को भी लेके आ हाँ तो पक्का पक्का चलो ठीक है चलो अपना ख्याल रखो ओके बाय बेटा बाय।